अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड लिसनर्स। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। हस्बैंड साहब को कहा था कि शुरू कर दें, लेकिन वो चले गए, कहते तुम शुरू करना। तो सारा मैंने काम कर लिया है और इस वक्त दोपहर हो गई है, पौना एक, मतलब 1 बजने में 10 मिनट हैं। तो और भी काम करने थे काफ़ी, लेकिन बस धूप में बैठ गई, और धूप में जब बैठ जाए बंदा तो फिर धूप से उठने को दिल नहीं करता। अब मैं चलती हूँ बाहर, देखती हूँ शायद दूध आ गया, और फरहान जो है वो ये बैठा है। फरहान, दूध आ के? दूध दूध वाला नहीं आया, और ये पड़े हुए हैं ऑरेंजेस। ऑरेंजेस को धूप में बैठ के खाने का अपना ही मज़ा है। अल्लाह जाने धूप और ऑरेंज का क्या रिश्ता है, के लोग कहते हैं कि धूप में बैठ के खाओ तो बहुत ही मज़ा आता है। तुमने ऑरेंज खा लिया? तुमने ऑरेंज खा लिया? खा लिया। अच्छा, अब तुम्हें मैं रोटी बना के दे दूँगी थोड़ी देर तक, ठीक है? रोटी? हाँ, अच्छा 1 बजने वाला है ना। और बाहर धूप भी अच्छी लगी हुई है। और मैंने क्या करना था, हाँ ऊपर से कपड़े लाने थे, कल कपड़े धोए थे मैंने, तो थोड़े से जो कपड़े मेरे रह गए थे सूखे नहीं थे, जिनको मैंने नील लगा के मतलब डाला था, तो वो रह गए थे, क्योंकि मैं उनको स्पिन करके नहीं डालती, जो नील वाले कपड़े होते हैं ना उनको मैं स्पिन करके नहीं डालती। अगर उनको स्पिन कर दो तो फिर ऐसा लगता है कि ना नील कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, ये कुछ कपड़े मेरे सूख गए थे, गठरी बांध के मैंने रखी है, इनको मैंने इस्त्री करना है। तो आप भी कोशिश किया करें, जब वाइट कपड़ों को आप नील लगाएं तो इनको स्पिन ना करें, खसूसन सर्दियों में। गर्मी में तो चलो वैसे ही सूख जाते हैं सारे के सारे कपड़े, तो सर्दियों में आप कोशिश करें, तो मतलब फिर वो बहुत बुरा लगता है, कहीं नील ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, तो फिर मैं वैसे ही डाल देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी ये कपड़े फिर मैं इस्त्री करती हूँ मैं, और मैं ऊपर से कपड़े भी ले आती हूँ, फिर मैं सुलेमान को लेने जाऊँगी, फरहान को मैं रोटी बना के दे दूँगी, मेरे नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक भी पढ़ना है, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। चल जी, यहाँ पर मैंने फरहान को रोटी बना के दे दी है, फरहान लंच कर रहा है, और मज सुबह जा रहा है मजे मजे से। और सालन में क्या है? मटकाई वाइट कढ़ाई, फरहान की फेवरेट, फिर। मज़ेदार है। चलें जी, और अब टाइम मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो गया है। टाइम हो गया है देर, नमाज का टाइम हो गया है, जोहर की नमाज का वक्त। तो चलें जी, पहले पढ़ लेते हैं नमाज जोहर की। आप लोग भी सारे काम छोड़ के पहले जोहर की नमाज़ पढ़ें, काम तो होते रहेंगे, क्योंकि नमाज जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और नमाज जो है वो दीन का सुतून है। तो चलें, बाकी काम छोड़ के पहले नमाज। ये समझिए, शायद मैं इसको कुछ डालने लगी हूँ, धूप में बैठी थी बड़े मस्त है, धूप सेक रही थी। हैं, अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, अभी मेरी टांगों में साल लगेगी। क्या चाहिए? जाओ धूप सेको जाके, जाओ जाओ, चलो अभी उर्वा आ जाएगी, उर्वा इसको गोद में बैठाती है। हाँ, सब ने खाना खा लिया हो, सुलेमान बैठा हो। जल्दी करो, जल्दी करो, आप जल्दी करो। गोभी सुलेमान क्या खा रहा है? आलू गोभी। और फरहान क्या कह रहा है? चलो चावल करो यार, वो सारा हाँ करो, चलो उठे वो उठे, तो पतीली में रखो, आप उठेंगे तो मैं करूँ, पतीली पतीली निकालो ना। यहीं पड़ी है सुलेमान। ये छोटा सा एक काम करना है, इसको पतीली को उठाएं, इन चावलों को हम शिफ्ट कर देते हैं। ये चावल जो हैं वो हमारे क्या हैं, अधवाड़ बना रहे हैं आप। शिफ्ट करो,
इसको इसमें शिफ्ट कर देते हैं, फिर मिलते हैं आपको. Who is the Lawwam? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah. तो यहाँ पर अबू लेके जा रहे हैं घसीटते हुए. अब अबू जा, अभी सीधे चादर लेंगे पूरे चीज के अंदर. ये वाले चादर ये डाल दें सारे चावल. चलो डाल गए. और अब ये मिक्स कर देंगे हम. मिक्स नहीं, बस ऐसे ही कर देंगे. देख साफ है, बड़े बड़े दाने हैं. और ये अलग कर दिया है. Successful. Only. Bus.